वेलकम बैक टू माय चैनल श्री स्मार्ट क्रिएटिविटी। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ओन आउटलाइनर। यहाँ पे जिन जिन चीजों की जरूरत है मैंने वो सब ले लिया है, आप देख सकते हो गाइस। ऐसे में एक प्लास्टिक लेके कोन बना लिया। प्लास्टिक थोड़ा सॉफ्ट होने चाहिए। कैसे मैं कोन बना रही हूँ आप देख सकते हो। ऐसे बना के इसको मैं सेलो टेप से बंद करूंगी। अब देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ। अभी इसको मैं सेलो टेप से बंद कर दूंगी। अभी बन गया मेरा कोन और थोड़ा सा सेलो टेप भी लगाऊंगी। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। अभी लाइनर बनाने के लिए मैंने फेविकॉल ले लिया है नॉर्मल कम, और बेबी पाउडर लिया है जॉनसन का। आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो कोई भी ब्रांड का। मैंने यहाँ पे जॉनसन का लिया है। इसके साथ मैंने ग्लू मिला लिया। आप अगर 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून पाउडर लोगे तो 3 टेबल स्पून ग्लू लेना पड़ेगा। अब देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने स्पून नहीं दिखाया, पर अगर आप स्पून से करोगे तो आप बिगिनर हो तो आपके लिए स्पून से लेना ही सही है। मैं इसको ऐसे पेस्ट करूँगी जैसे टूथपेस्ट होता है वैसे। अब इसके अंदर में फूड कलर जो आता है मार्केट में, आपको ये ग्रोसरी स्टोर में आराम से मिल जाएगा, तो इसके अंदर मैं फूड कलर मिक्स करूंगी। आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो, एक्रेलिक कलर, वाटर ट्यूब कलर, ये सब आप कर सकते हो। फिर मैंने दोनों तरीका से दिखाया है, एक फूड कलर से और एक आई शेडो जो मेरा एक्सपायर हो गया उससे भी आप ये लाइनर तैयार कर सकते हो। तो कैसे करते हैं आप पूरा वीडियो देखिए गाइस। यहाँ पे जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है बेबी पाउडर, क्योंकि पाउडर के बिना और ग्लू के बिना भी ये नहीं होने वाला। आप कलर कोई भी ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको स्टोर करने के लिए 1-1.5 महीने तक आप रख सकते हो। तो स्टोर कैसे करना है और उसके लिए क्या करना है आप देखिएगा इसमें क्या कर रही हूँ। ऐसे आप अगर करोगे तो आपको 1-1.5 महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हो। अब देखिए गाइस इसको ऐसे में बंद कर दूंगी ताकि ये मेरा बहुत दिनों तक स्टोर रहे। जब मुझे यूज़ करना होगा तो मैं काट लूँगी। ये मेरा तैयार हो गया लाइनर। ये जो मैं लाइनर तैयार करने वाली हूँ ये मैं फेस पाउडर के साथ तैयार करने वाली हूँ। मेरे पास एक शेडो बॉक्स है जो कि मेरा 2015 में एक्सपायर हो चुका है, तो इसीलिए मैं उसको फेंका नहीं हूँ। तो उससे उसके अंदर जो फेस पाउडर का शेड है मैं उसी से ये तैयार करूँगी। अब इसके अंदर जो शेडो है, आपके पास जो शेडोज रहता है वो एक्सपायर अगर हो जाए तो आप उससे भी कर सकते हो। ये तो मेरा नॉर्मल शेडो और फेस पाउडर है। जो ग्लिटर वाला मार्केट में आता है आप उससे भी ये तैयार कर सकते हो थोड़ा ग्लिटर लुक्स लाने के लिए। ये जो है फेस पाउडर का कलर मुझे बहुत पसंद है, तो इसको मैं अभी एक बॉल में डालूंगी क्योंकि ये थोड़ा जमा हुआ है, तो इसको मैं डस्ट में तैयार कर लूँगी। इसको क्रश करूँगी, क्रश करके इसको पूरा डस्ट कर लूँगी इसको, और फिर इसको इसके साथ मैं मिलाऊंगी पेस्ट के साथ।
मुझे लग रहा था थोड़ा और ग्लू की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने और थोड़ा सा ग्लू दे दिया। अब देखिए गाइस, पूरा टूथपेस्ट की तरह ये तैयार हो चुका है। मार्केट में ऐसा है कि हर कलर का लाइनर तो मिलता नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा ज़रूरत पड़ जाता है कि इस कलर का लाइनर होता तो अच्छा होता। आप अगर इस प्रोसेस में तैयार करोगे तो आपको जो कलर चाहिए आप वो कलर माने तैयार कर सकते हो खुद ही। और इसको आप बॉटल क्राफ्ट, ग्लास पेंटिंग या फिर कोई भी क्राफ्ट में आप यूज़ कर सकते हो। पेपर के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मेरा कितना सारा लाइनर यहाँ पे तैयार हो गया और कितने अच्छे कलर आए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करो, कमेंट बॉक्स में बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए मैं यहाँ पे एक बॉटल किया हूँ और ये एक आचार का बॉटल था, उसके ऊपर मैं ब्लैक कलर का फैब्रिक मार दिया और उसके ऊपर ये क्राफ्ट मैंने कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है। आपको अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर ये ट्राई करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।